आज हम बनाएंगे मेहमान स्पेशल ब्रेड चिकन चीजी कुल्फी कोन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की बनती है ये। ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी बहुत ही ईजी ब्रेड चिकन चीजी कुल्फी कोन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से ये बनके तैयार होगा। उम्मीद है मुझे आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आएगी। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दे और सफीना जी किचन को सब्सक्राइब भी कर ले न्यू रेसिपी देखने के लिए। चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 आलू बॉयल करके, और इसमें लिया है चिकन मैंने 1/2 किलो, इसे भी मैंने बॉयल करके इसको मैंने अलग अलग कर लिया, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा कर लिया। उसके बाद 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। उसके बाद जो है ना, यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्ची, आप तीखे के हिसाब से, अपने तीखा के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे बारीक चॉप करा हुआ, जीरा पाउडर डालेंगे यहाँ पर आधी चाय की चम्मच, और डाल देंगे गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम। लाल मिर्ची का पाउडर डाला मैंने तीखा वाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और डालेंगे यहाँ पर नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि यहाँ पर हम चाट मसाला भी इस्तेमाल किए हैं 1 चाय की चम्मच। अभी जो है ना, हमें तमाम चीज़ यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैश भी कर लेंगे, क्योंकि आलू हमारी अच्छी तरह से मैश नहीं हुआ है, तो आलू को भी हमें तोड़ के मैश करना है और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स भी करना है। तो अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है ना, सारे चीज़ें आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से स्किप भी कर सकते हैं आपको अगर गरम मसाला नहीं पसंद, लेकिन डालेंगे तो इसकी जो फीलिंग की जो एक स्वाद होती है ना, बहुत ही टेस्टी होगा। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो है ना, यहाँ पर डाल देंगे हम टोमेटो केचप। टमाटो केचप ज़रूर डालना, इसको स्किप मत करना, ये भी बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट देगा इसमें। तो 2 चाय की चम्मच मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे और भी अच्छा सा टेस्ट देने के लिए चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्ची को भी मोटा मोटा कूट के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप तीखा के क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें, क्योंकि यहाँ पर हमने हरी मिर्ची भी इस्तेमाल किया है। अभी जो है ना, फिर से हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये जो आलू और चिकन की जो ये फिलिंग है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसको आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप अगर इसी तरह से बनाएंगे ना, ये आपको ऐसे ही खाने का दिल चाहेगा। जिस तरह से हम चोखा बनाते हैं, ये इसी तरह से सेम बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चाय की चम्मच मैदा। मैदा हमारी यहाँ पर बाइंडिंग देने के लिए हमें चाहिए, तो मैदा में थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल के और इसको एकदम गाढ़ी सी इसमें एक पेस्ट तैयार करेंगे, ताकि हमारी कोन को रिमूव करने के लिए, कोन को हमें बंद करने के लिए ये मदद करे। ठीक है, अच्छी तरह से इसका घोल जो है ना, हमने तैयार कर लिया है, और इसका कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद जो है ना, यहाँ पर ले लिया है मैंने 4 से 5 ब्रेड, और आप जितना बनाएंगे आप उस हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको दूंगी एक टिप्स, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप बासी ब्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि आप अगर बासी ब्रेड लेंगे तो आपकी जो कोन है, जब आप इसको फोल्ड करेंगे, ये बिल्कुल टूट जाएगा और आपकी कोन बराबर नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ताज़ा एकदम सॉफ्ट ब्रेड लेना है, और इसके किनारे काट के हमें निकाल लेना है ब्राउन वाला भाग, और इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम ब्रेड ग्राम तैयार कर लेंगे। अभी जो है ना, सारे ब्रेड को हम इस तरीके से बेल लेंगे, कोई भी यहाँ पर पानी वगैरह हम नहीं लगाएंगे, बस सूखा इसको हमें बेल के चपटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर बड़ा ब्रेड लेंगे तो आपकी जो कोन है ना, मेरे से भी बहुत ही अच्छा कोन बनेगा आपका। तो मेरे पास जो है ना, बड़ा साइज़ का ब्रेड नहीं था, तो आप अगर बड़े साइज़ का ब्रेड लेंगे तो आपका कोन और भी मेरे से भी अच्छा बनेगा। तो सारे ब्रेड को हम इसी तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही खाने में टेस्टी है। मेहमान स्पेशल के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सभी को बेल के तैयार कर लिया है, और यहाँ पर जो है ना, जो हमें टूथपिक है वो मैंने ले लिया है, तो लेकिन मेरे पास टूथपिक नहीं था, मैं बड़ा वाला जो सीख होता है लकड़ी का, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों करके मैंने कट कर लिया है। अभी हम इस तरीके से एक ब्रेड लेंगे,
और उसके दो साइड में हमने यहाँ पर मैदे की घोल लगाया और अंदर फिर हम इस तरीके से इसका जो फिलिंग है भर देंगे। और आप चाहे तो इसको सादा सिंपल भी बना सकते हैं, और अगर आप चीज़ वाला बनाना चाहते हैं तो चीज़ को आप इस तरीके से लंबे साइज़ में टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद इसके अंदर से भर के फिर ऊपर से फिर से हम चिकन इस तरीके से भर देंगे, चिकन की जो हमने फिलिंग तैयार किए हैं। और इस तरीके से भरने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो हमने लकड़ी की स्टिक लिए है उसको बीचों बीच रख देना है, और इसका जो एक साइड का जो कोन है उसको हमें कट कर लेना है, और दोनों साइड से इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है मैदे की घोल लगा के। तो आप देख के समझ पाए होंगे उम्मीद है मुझे कि मैंने किस तरीके से इसको फोल्ड किया है। तो मैं और भी आपको बना के बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको बनाना है। सेम तरीके से एक ब्रेड लेना है और दो साइड में हमें इस तरीके से मैदे की घोल लगा लेना है, फिर इसको दोनों कोना पकड़ के इसको फोल्ड कर देंगे ताकि ये कोन शेप में बन जाएगा, और फिर अंदर इस तरीके से चिकन की फिलिंग भरेंगे, और फिर आप एक इस तरीके से एक चीज़ का पीस उठाइए और फिर अंदर इस तरीके से आप भर दीजिए, फिर ऊपर से चिकन रखेंगे और चिकन रखे अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे, और फिर जो है ना इसमें हम लकड़ी का स्टिक डाल देंगे। आप इसमें आइसक्रीम की जो स्टिक होती है वो भी डाल के आप बना सकते हैं, और फिर इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। देख सकते हैं, आप देख के समझ पाए होंगे मैंने किस तरीके से इसको कट लगाया और मैदे की घोल लगाया। इसी तरह से लगाने के बाद फिर से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। इसी तरह से फोल्ड कर देंगे, अच्छी तरह से इसका जो मुंह है बंद कर देंगे, और बहुत ही अच्छा सा हमारे कोन बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हमने बना के तैयार कर लिया है। तो है ना कितना आसान ये कोन बनाना। तो इसी तरह से सारे कोन को हमने बना के तैयार कर लिया है, और इसी तरह से सभी को एक साथ में बना लिया है। अभी चलते हैं, इसकी बारी आ रही है फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है हाई हीट पे, और गर्म करने के बाद फिर मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, लो नहीं यानी कि मीडियम कर दिया है, और मीडियम आंच पे ही हमें इस तरीके से इसको फ्राई करना है इसका साइड चेंज करते हुए। तो सारे को हमने इस तरीके से डाल दिया है, देख सकते हैं, और अभी हमें इसका जो साइड है ना हमें चेंज करते हुए बहुत ही अच्छा सा एक कलर लाने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे जब तक ये गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक हम इसी तरह से इसको फ्राई करते रहेंगे। गैस की आँच को मैंने मीडियम आँच पर रखा है, और मीडियम आँच पर इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी को अगर देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन ज़रूर दबाइए, लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए। एक लाइक देने से कुछ नहीं जाता है फ्रेंड, बस आपकी लाइक से हमें हौसला मिलती है, हमें काम करने की हिम्मत होती है, हौसला मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा हमारी चिकन चीजी ब्रेड कोन बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से, और आपको ये बिल्कुल, आप अगर आप सोचेंगे तो ये ऑयली वॉयली रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका जो ऑयल है ना बिल्कुल एकदम आपको ड्राई लगेगा, और बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी बनती है। तो इसी तरह से हमने सभी को फ्राई कर लिया है, अभी हम इसको प्लेट में भी निकाल लिए हैं, देख सकते हैं, और ऊपर से आप इस तरीके से सॉस लगा दीजिए ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगे। तो इसी तरह से हमने सभी के ऊपर इस तरह से सॉस लगा देंगे। आप चाहे तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं, हरी चटनी धनिया की, उससे भी बहुत ही टेस्टी लगेगा, ये खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सॉस लगा लिया सभी के ऊपर, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। तो देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो आप मेहमानों के सामने ये प्लेट को ले जाइए, सर्व करें, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करें, और इसको आप इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ और अपने फैमिली के साथ, अपने मेहमान के साथ। आज की रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं न्यू नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।